लगभग 20 दिनों से बिजली की समस्या से परेशान बुरहानपुर के ग्राम पतोड़ा के किसानों ने लालबाग बिजली दफ्तर पहुंचकर जमकर हंगामा किया। किसानों ने बताया कि बिजली के तार जल जाने के कारण गांव और खेतों में बिजली नहीं है, जिससे पानी की समस्या उत्पन्न हो रही है। 46 डिग्री के बीच बिजली विभाग की लापरवाही से परेशान किसानों ने समस्या का समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। मामले को लेकर अधिकारियों ने किसानों की समस्या का जल्द ही समाधान करने का आश्वासन दिया। हमारी बिजली की समस्या एमपीबी से 4 तारीख से रेलवे ब्रिज के नीचे केबल जला हुआ है सिंगल मारुति के पास से। हम जब भी यहाँ पे आए प्यार मोहब्बत से बात की अधिकारियों से, वो बोले कार्रवाई चालू है, हो जाएगा, लेकिन क्या है टेम्परेचर बढ़ चुका है 45-46 का बुरहानपुर का टेम्परेचर हो चुका है। कल से 9 का चालू होने वाली है, 47-48-50 तक टेम्परेचर जा सकता है, तो हमारे केले की फसल की हाल ये होने वाले। ये लगभग 15-20 दिन पहले एक हमारे पातोंगा क्षेत्र के कई रेलवे क्रॉसिंग पर एक फॉल्ट था और तत्काल हमने इसकी सूचना संबंधित जो हमारे सेंगर साहब है अपने जो एए यहाँ के उनको दी, लेकिन उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और हमारा जो फीडर है वो विरोधा फीडर से चालू करके जोड़ दिया गया। लेकिन अभी हुआ समस्या ये आ रही है कि वोल्टेज कमी के कारण पानी बराबर नहीं आ पा रहा है, और दूसरा विषय ये है कि जो यानी बार बार फॉल्ट हो रहा उसका भी ये लोग कोई समाधान नहीं है कर रहे। और अभी हमने केली के कुछ ग्राम पंचायत पाटुंगा के किसान क्या समस्या लेके आए और उनका क्या निराकरण है? ये रेलवे क्रॉसिंग की केबल जली है, रेलवे की उसमें परमिशन की आवश्यकता होती है, इसलिए लाइन अभी दूसरे ग्रिड से चालू की थी, उसमें लाइन फॉल्ट होने की वजह से सप्लाई चल नहीं पा रहा है। अभी केबल का जो है रेलवे की परमिशन मिल जाए खुदाई की तो केबल डालने का रहेगा, उस तक अभी लाइन कहीं से अल्टरनेट व्यवस्था जहाँ से की थी वो फॉल्ट क्लियर करके लाइन चालू करवाई जाएगी। पातोंडा गांव के किसान लोग हैं जिनको बिजली नहीं मिल पा रही थी, जिस कारण उनकी फसल को थोड़ा नुकसान हो रहा था, तो उसी समस्या को लेकर पातोंडा के किसान लोग आए थे बिजली विभाग में, तो उसी को हम सुरक्षा की दृष्टि से आए थे। बाकी उनका हो गया है आपस में, वो बिजली विभाग ने भी बोल दिया कि हम कर देंगे व्यवस्था, बाकी वो कोई वैसा कोई बड़ा इश्यू नहीं था उसमें।